हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये बॉय के लिए एक स्वेटर बनाकर लेकर आई हूँ जो हमने 2 से 5 ईयर के बॉय के लिए बनाया है। अगर ये आपको छोटा लगता है तो आप इसमें थोड़े सा लेंथ लंबी रख लीजिएगा। वैसे मैंने ये 4 ईयर बॉय के लिए बनाया है और बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसे गले से बनाना स्टार्ट किया है और बनाते हुए हम इसे देखिए इस तरह से नीचे आए हैं और इसमें हमने एक छोटा सा पैटर्न डाला है, छोटा छोटा, जो बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए इस तरह से बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 2 कलर से हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए हमने 9 नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है, इसी से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम इस ग्रीन कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए लूप बनाएंगे, इस तरह से हम लूप बनाएंगे और अब हम इसमें चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर मैंने 6 चेन बनाई है। इसी तरह से बनाते हुए हम इसमें 80 चेन और बना लेंगे, तो हम टोटल इसमें 86 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 86 चेन बना ली है, अब हम इसमें 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 धागा लेंगे और 4th चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 हो गए, धागा लेंगे फिर से बनाएंगे, ये 3 हो गए, फिर से बनाएंगे 4। तो देखिए इस तरह से एक ये 4 हो गए हैं, एक हमारी 3 की चेन और एक एक हमारे ये 3 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 4 हो गए। फिर से बनाएंगे 5, फिर से बनाएंगे 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये 13 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, ये हमारे फ्रंट के बने हैं 13 डबल क्रोशिया। अब हम इसमें एक चेन बनानी है कॉर्नर के लिए, धागा लेंगे और एक हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेन में हम डबल एक चेन लेके नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया। अब हम इस 1 डबल क्रोशिया को भी काउंट करेंगे और टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गए, 3। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से काउंट करते हुए हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 17 चेन हमारी बन गई है और ये हमारी 17 चेन हमने बाजू के लिए बनाई है फ्रंट के लिए, फिर हमने 17 बनाई है बाजू के लिए। अब हम इसमें फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। अब ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट में हम इसमें 26 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 26 डबल क्रोशिया बना लेंगे और बनाकर हम ये 26 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे 26 डबल क्रोशिया बन गया है, ये हमारा बैक बन गया। अब हम इसमें एक चेन लेंगे और फिर से हम 17 बनाएंगे, यहाँ पर हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए बनाया है, ये हमारा बैक, ये हमारी बाजू और ये हमारा फ्रंट, इस तरह से बना है। तो अब हम आगे इसी तरह से बनाएंगे, 17 डबल क्रोशिया हम बाजू के लिए और 13 डबल क्रोशिया हम सेकेंड पार्ट के लिए, इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हमारे पास ये 13 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे और हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया में देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई है, तो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे और अगले वाली चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे 13 डबल क्रोशिया थे, तो हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 13 है, तो हम 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं जहाँ पर हमने एक चेन ली थी। अब धागा लेंगे, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया है, तो एक ये वाला डबल क्रोशिया हमारा बाजू में बढ़ गया और ये वाला हमारा फ्रंट में। अब हमारे पास ये 17 डबल क्रोशिया है, तो हम ये 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। देखिए ये 17 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम धागा लेंगे और ये जो हमारी एक चेन थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा देखिए एक बाजू में बढ़ गया है। अब हमारी बाजू में दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया बढ़ गया है, तो पहले 17 थे, अब हमारे पास ये 19 हो गए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारा बैक की साइड में एक डबल क्रोशिया बढ़ गया है। फिर हम 26 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये इस वन चेन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे हमारे बैक की साइड में 26 डबल क्रोशिया थे, फिर वो हमारे 28 हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 17 डबल क्रोशिया हैं सेकंड बाजू में, तो यहाँ पर 19 हो जाएंगे। और ये 13 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ने से हमारे 14 हो जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कम्प्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो गया है। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे और धागा लेंगे। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हैं, इन पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे। देखिए राउंड हमारा हमने ये बनाकर यहाँ तक ले आए हैं। अब हम धागा लेंगे और इस वन चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है। इसी तरह से हम हर कॉर्नर पर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाते रहेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और ये हमारा फिर बैक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये हमारे बाजू भी आएगा और ये हमारे फ्रंट पे आएगा। तो इसी तरह से हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम टोटल 11 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये तीसरे राउंड पे हम है, इसी तरह से हम टोटल 11 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से बनाना है। तो सेम ऐसे ही हम 11 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 11 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए हमने 10 राउंड तक हमने एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है, लेकिन 11वें राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया की कली बनाई है। जो हमने एक चेन ली थी उसके अंदर हमने ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट की है। ये हमारे 11 राउंड हो गए हैं। अब हम 12वें राउंड पे हैं। यहाँ पर हम 12वें राउंड में देखिए ये इसमें हमने हाफ ये बना लिया है राउंड, और अब हम इसमें देखिए जो हमने एक चेन ली थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर एक दो, ये चेन हम थोड़ी सी लूज़ बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8, 8 चेन बनाई है। अब देखिए इसमें ये जो हमारी बाजू का पार्ट है इसे हम स्किप करेंगे और धागा लेकर ये देखिए यहाँ पर ये जो डबल एक चेन है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये हमारी बाजू हो गई है और ये फ्रंट का और बैक का पार्ट हमने ज्वाइंट किया है। अब जितने भी ये हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए दूसरी साइड आ जाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन ली थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम लूज़ 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन बनाई है। धागा लेंगे, फिर हम ये बाजू का पार्ट स्किप करेंगे और सेकंड फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया बचे हैं उन्हें हम पहले बना लेते हैं। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये सीधी साइड को हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से
और इसे हम इस तरह से रखेंगे। अब देखिए आगे हम इसे सारे पार्ट को एक ही राउंड में बनाएंगे। ये यहाँ पर हम सिर्फ बटन होल रखेंगे, बटन पट्टी बनाएंगे अपने। तो अब हम इसे इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमारी थर्ड चेन है इसके साथ हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बन गया है और यहाँ पे हमने धागा कट किया है। अब हमने देखिए ये जो यहाँ पर हमारा हमने ये चेन बनाई है यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसके अंदर हम इस तरह से धागा ज्वाइंट करेंगे। तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने आठ चेन बनाई थी तो हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लें। देखिए ये देखिए आठ है तो हमने आठ में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये हमारे यहाँ पर ये जितने भी डबल क्रोशिया इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम सारे राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसे यहाँ पर देखिए थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे थर्ड चेन के साथ। अब तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई है। देखिए धागा लेंगे और हम यहाँ पर पहले दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट में देखिए हम डबल क्रोश धागा लेकर डबल क्रोशिए के नीचे से इस तरह से हम धागा निकाल लेंगे और बनाएंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर सेकंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे, दो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई, धागा लेंगे, फिर हम दो बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट में हम डबल क्रोशिया के देखिए इस तरह से पीछे से बनाएंगे, पीछे की साइड से एक, फिर से बनाएंगे दो, दो बन गया। फिर से हम दो फ्रंट पोस्ट और दो बैक पोस्ट इस तरह से बनाएंगे, एक बार, एक बार और, ये दो हो गया। फिर से हम दो बैक पोस्ट बनाएंगे, एक दो, देखिए इस तरह से एक दो फ्रंट पोस्ट दो बैक पोस्ट इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था जिसके ऊपर हमने तीन चेन बनाई थी, यहाँ पर ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा और राउंड कंप्लीट करते हुए हमने दो ये फ्रंट पोस्ट दो बैक पोस्ट इस तरह से बनाया था, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम रह गया है। जो हमारा बैक पोस्ट बनेगा उसे हम एक डबल क्रोशिया को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। पहले हम सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो इसे हम बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस राउंड में ये हमारा बैक पोस्ट होगा तो हम यहाँ पर इसे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ली है। देखिए ये हमारे दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, अब हम इस राउंड में इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए बैक पोस्ट में हम इसे इस तरह से पीछे से लेकर जाएंगे और बनाएंगे, एक बना लिया, फिर से जाएंगे, फिर से हम इसे एक बनाएंगे। ये हमने दो बैक पोस्ट बना लिए हैं, धागा लेंगे। देखिए ये जो दो डबल क्रोशिया है ये हमारे बैक पोस्ट हैं तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, दो को हम फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाया। फिर से हम जो ये फ्रंट पोस्ट है इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाएंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके फोर्थ राउंड पे हैं और आगे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। पहले हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे थ्री की चेन के साथ, यहाँ पर
देखिए इस तरह से हमने स्लिप स्टिच किया है, एक दो तीन चेन लेंगे। देखिए ये जो हमने बैक पोस्ट बनाया था, फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और राउंड इसके कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा बैक पोस्ट है, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनाए दोनों, फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट। और इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। हम इसे थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि ये बनकर कैसा आया है। हमें क्या करना है, हर बार जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं दो डबल क्रोशिया, उन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट बनाए हैं उन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये बनेगा और राउंड कम्प्लीट होंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने इसकी लंबाई 3 इंच रखी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 इंच हमने इस पैटर्न की लंबाई रखी है, और अगर हम राउंड काउंट करेंगे तो हमने इसमें 12 राउंड बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे, तो जहाँ पर हमने धागा कट किया था सेम प्लेस पर ही हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चेन में धागा ज्वाइंट कर लेते हैं। एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे। और अब देखिए हमारे ये जो डबल क्रोशिया है, ये हमारा बैक पोस्ट के डबल क्रोशिया हैं, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बनाना सेम है, जो हमें बैक फ्रंट पोस्ट होगा उन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट होगा उन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो सेकेंड हमारा भी, ये भी हमारा बैक पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब देखिए ये वाले डबल क्रोशिया है, ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, तो इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने बैक पोस्ट बनाए, फिर हमारे दो डबल क्रोशिया, ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये दो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसके सेकेंड राउंड पे हैं, और सेकेंड राउंड में हम देखिए यहाँ पर ये हमने थर्ड चेन में इसे ज्वाइंट किया है। एक दो तीन चेन बनाई है, धागा लेंगे। देखिए आपको ये फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा, तो इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। दोनों डबल क्रोशिए को देखिए इस तरह से हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, फिर से हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर धागा लेंगे। देखिए ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। हर बार हमें इसी तरह से बनाना है। जो हमारे फ्रंट पोस्ट होंगे, देखिए इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे
ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हमने बनाए हैं, नेक्स्ट राउंड में ये हमारे फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे, ये बैक पोस्ट हो जाएंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट बनेगा, ये बैक पोस्ट बनेगा। इस तरह से बनाते हुए हमने इसमें 12 राउंड ब्लैक के बनाए हैं, 12 राउंड हम इसमें फिर से इस ग्रीन कलर का बनाएंगे और फिर से हम इसमें 12 राउंड ब्लैक के बनाएंगे। तो इस तरह से ये तीन पेयर हमारे बन जाएंगे, तीन तीन इंच के। तो अब हम 12 राउंड इसके बनाएंगे और 12 ब्लैक के, तो बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए ये हमारी स्वेटर की लेंथ बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए पैटर्न भी हमारा कितना प्यारा बनकर आया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पर यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे और बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धागा कट किया था थर्ड चेन के साथ, यहीं पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे, तो जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं इनमें हम हर एक इनके अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमें चेन दिखाई देगी, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम थर्ड चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे, एक बार हम फ्रंट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर धागा लेंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम बैक पोस्ट बनाएंगे, जिससे हमारा बॉर्डर बनेगा। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से फिर से बनाएंगे, ये बनाया हमने फ्रंट पोस्ट, फिर हमने बनाया बैक पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट, इस तरह से बनाकर हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे, देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर देखिए ये बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो हमें जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। अब ये हमारा बैक पोस्ट है तो हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इसके 7 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके थर्ड राउंड पे हैं, तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, जो हमें जैसा दिखाई देगा, फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे और इसके 7 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए इस तरह से 7 राउंड हमने बना लिए हैं और बॉर्डर बनकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें बाजू बनाना सीखेंगे कि वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ब्लैक धागा ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर जितने भी हमारे चेन हैं इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी जितनी भी चेन आएंगी इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर थर्ड चेन के साथ इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे।
और देखिए जैसे हमने बॉर्डर यहाँ सॉरी पैटर्न यहाँ पर बनाया था सेम पैटर्न बनाएंगे। तो पहले हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन धागा लेंगे। अब हम दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया फिर से बनाएंगे, ये दो बना ली। अब हम दो बैक पोस्ट बनाएंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था बॉर्डर सेम वैसे ही बनाना है, दो फ्रंट पोस्ट दो बैक पोस्ट, देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे और बाजू की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये बाजू की लेंथ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये बनाते हुए हमने बाजू की लेंथ बनाकर कंप्लीट की है, इसमें भी मैंने यहाँ पर 12 12 रो बनाकर कंप्लीट की है। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने देखिए यहाँ पर नीचे बनाया था सेम ऐसे ही बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम हर एक डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे और उसमें भी हम 7 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गले पर ये हमारे 86 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम हर एक सॉरी 86 चेन है और इनमें हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और गले पर हम इसमें 3 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे बॉर्डर की, जिसमें हम एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट का हम बॉर्डर बनाएंगे। सिर्फ हमें 3 रो ही बनानी है जिसमें हमारा ये इतना सारा बन जाएगा। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बटन होल बनाना सिखाऊंगी कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। देखिए तो दोनों बाजू बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब देखिए हमने इसमें गला भी बनाया है और गले में हमने इसकी 3 रो बनाकर कंप्लीट की है। 3 राउंड हमारे कंप्लीट होने के बाद देखिए धागा हमारा यहाँ पर आया है। अब हम इसमें देखिए इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर जो ये हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आएंगे सिंगल क्रोशिया एक बार और करेंगे। ये हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट रो में जाएंगे एक बार किया, फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हम हर डबल क्रोशिया के अंदर दो दो बार सिंगल डबल क्रोश सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार बनाना है हमें हर डबल क्रोशिया में। एक बार बनाया एक बार फिर से बनाया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से हम पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक चेन और बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर से हम इसमें रो बनाएंगे। यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे और वो बटन होल हम देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो हैं। 15 रो में हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। एक चेन ली है, देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बनाई है, इसे हम टर्न करेंगे और यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और फिर हम बनाएंगे। देखिए दो बनाए, दो हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 ये देखिए 8 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये हमारा बटन होल बन गया। फिर से हम 8 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम यहाँ पर ये बटन होल बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर भी एक होल बनाया है। अब इस होल में हमने 3 चेन बनाई थी और 2 चेन हमने नीचे स्किप किया था, तो हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। ये 2 बनाया, फिर हम हर एक चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पर भी हमने चेन बनाई है वहाँ पर हम 2 बार चेन बनाएंगे सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया एक बार और बनाया और फिर हम बाकी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए तीन राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए ये इस तरह से हमारा ये पार्ट बना है। अब हम यहाँ पर धागे से इसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम बटन लगाएंगे और ये हमारा बटन होल हो जाएगा, और जिससे देखिए हमारा ये गला बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम तीन रो हम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बना लेंगे और सिंगल क्रोशिए की बनाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कार्डिगन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है और बना हुआ बहुत ही प्यारा हमारा ये बना है। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये बना है, पैटर्न भी हमारा बहुत ही प्यारा बना है और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।